दिवाली 2021 पर किस फिल्म को लेकर आ रहे हैं संजय लीला भंसाली, क्या होगी इस फिल्म की कहानी। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफ। दोस्तों, संजय लीला भंसाली ने हाल ही में आलिया भट्ट के साथ गंगूबाई कठियावाड़ी पर बायोपिक अनाउंस की है और दिवाली पर धमाका करते हुए उन्होंने अपनी अगली फिल्म भी अनाउंस कर दी है। गंगूबाई के बाद संजय लीला भंसाली बैजू बावरा रीमेक पर काम करेंगे। काफी वक्त से संजय लीला भंसाली बैजू बावरा रीमेक पर काम कर रहे हैं और इस फिल्म के रीमेक राइट्स उनके पास काफी पहले से हैं और अफवाहें हैं कि उन्होंने सबसे पहले इस फिल्म के रीमेक के लिए सलमान खान, शाहरुख खान और आलिया भट्ट को अप्रोच किया था। ओरिजिनल फिल्म विजय भट्ट ने 1952 में बनाई थी। इस फिल्म में भारत भूषण और सुरेंद्र, बैजू बावरा और तानसेन की भूमिका में थे, वहीं मीना कुमारी फिल्म की हीरोइन थी। मीना कुमारी को इस फिल्म के लिए 1964 में पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। ओरिजिनल फिल्म में 13 गाने थे और फिल्म का म्यूजिक नौशाद ने दिया था, जिसके लिए उन्हें अपना जीवन का इकलौता फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो चलिए आपको बताते हैं बैजू बावरा से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी। तानसेन को देश का बेस्ट गायक कहा जाता है। वो अकबर के दरबार में गाते थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन जैसे कोई नहीं गा सकता था और जो गाता था उसे मार दिया जाता था। बैजू बावरा एक ऐसे गुमनाम गायक की कहानी है जो तानसेन को हरा कर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। बैजू के बचपन में तानसेन के आदमी उसके पिता को गाने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें उसके पिता की मौत हो जाती है। मरते हुए वो बैजू से वादा लेता है कि तानसेन से बदला जरूर लेगा और यहीं से बैजू बावरा और उसके संगीत की कहानी शुरू होती है। बैजू को गांव के एक पंडित के घर में शरण मिलती है और उसे एक निवक की बेटी गौरी से प्यार हो जाता है। बैजू अपने संगीत को जारी रखता है लेकिन गौरी के प्यार में अपने पिता को किया वादा भूल जाता है। कुछ वक्त बाद गांव में डाकू आते हैं लेकिन डाकू की सरदारनी को बैजू से प्यार हो जाता है। वो गांव को इस शर्त पर छोड़ती है कि बैजू डाकुओं के गिरोह के साथ उनकी हवेली पर जाकर रहेगा। वहां डाकुओं की सरदारनी बताती है कि वो एक राजकुमारी है और अपने पिता का बदला ले रही है। बदले से बैजू की पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और वो मुगल महल में घुसता है जहाँ तानसेन गा रहे होते हैं। उन्हें गाता सुन बैजू खो जाता है। जिस तलवार से वो तानसेन का गला काटना चाहता था वो तानपुरे पर गिरती है और तानपुरा टूट जाता है। इससे तानसेन दुखी होता है और कहता है कि केवल संगीत ही उसे मार सकता था। बैजू असली संगीत खोजने निकल पड़ता है और धीरे धीरे उसके संगीत में भी वो दर्द और प्यार छलकता है जो किसी का भी दिल जीत ले। इसके बाद सड़कों पर गाने लगता है और लोग उसे बावरा कहते हैं। बैजू और तानसेन के बीच अकबर के दरबार में एक कंपटीशन होता है और अकबर उन्हें चैलेंज देता है कि जो एक संगमरमर को पिघला देगा वो जीत जाएगा। बैजू जीत जाता है लेकिन अकबर से तानसेन की जिंदगी बख्शने की गुजारिश करता है। इसके बाद बैजू दरबार से चला जाता है लेकिन अकबर दुखी हो जाते हैं और तानसेन को उसे रोकने के लिए बाढ़ लाने का आदेश देते हैं। तानसेन राग में गाते हैं जिससे भयंकर बारिश होती है, लेकिन इस सीन को फिल्म से काट दिया गया था। दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही फिल्मों की दिलचस्प कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक मोहब्बत बरकरार रखें।